हेलो गाइस, हाउ आर यू। माय नेम इज गगनदीप सिंह एंड वेलकम इन द पंजाबी ट्यूटर। सो थंबनेल तो देख लिया होगा कि वीडियो कॉल से जो स्पीकिंग होंगी है उनके विच एक प्रॉब्लम आई मेरी स्टूडेंट के नाल। सो की होया एक्चुअल दे विच कि स्पीकिंग चल रही थी एंड चलती स्पीकिंग दे विच नैटवर्क प्रॉब्लम होने करके कॉल कट हो गई। तो नैटवर्क इन्ना ज़्यादा वीक सीगा कि बाद चो 5 मिनट्स तक जो कॉल आ वो कनैक्ट ही नहीं हुई। तो इदा एक बार नहीं होया, इदा जाने कि थ्रू आउट द स्पीकिंग कम से कम 2 बार होया। तो देखो, तो एक चीज़ ये होंगी है कि जे वीडियो कॉल पर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, नैचुरल जी गल है कि हुण पहले ही 10 तो 12 मिनट की स्पीकिंग होंगी है, इदू ज़्यादा नहीं लेंदे हो। इन्हां तो ज़्यादा बर्डन होने करके बच्चे मिनटो मिनटी ये इधर इदा होंगे कि रश है, साढ़े मिनटो मिनटी बच्चा बस चली जाए। सो 2 वारी उनकी कॉल कट हुई, तो उल्टा उन्होंने कह रहे हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। आई एम सॉरी, तो देखो कॉम्प्रोमाइज़ बच्चा की करे, बच्चे ने तो अपना 14,700 रुपया भरया ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी करना है। तो देखते हैं कि रिजल्ट का की बनता, बट मेरे अकॉर्डिंग कि एक बहुत माड़ी गल है, इदा नहीं होना चाहिए कि इन्ने फीस भरन के बावजूद भी जे बच्चे की स्पीकिंग इदा खराब हो रही है, क्योंकि इतना सबजैक्टिविटी कम करती है, चाहे कोई मने चाहे कोई ना मने, बट सबजैक्टिविटी कम करती है। नैचुरल जी गल है कि जो कॉल कट हो जूगी, 2 वारी कट हो जू, कॉल का कट होना, नैटवर्क का कनैक्शन वीक होना, कॉल का कट हो जाना, खुद एक नैगेटिव चीज़ है। अपना ह्यूमन ब्रेन इन नैगेटिव चीज़ मानता। जे तुसी किस नाल कॉल ते गल कर रहे हो, आवाज़ वो कट कट के आती है, तो तुहाडे माइंड दे विच एक नैगेटिव साइन, नैगेटिव कैमिकल्स पैदा होने हो जाते हैं, ठीक है ना। अपनी जो इमोशनस होंदियां, अपनियां जो रिएक्शन होंदी है ब्रेन दे विच, वो बदल जाती है। तो नैचुरल जी गल, मेरी फाइनल स्पीकिंग है वो भी फाइनल आने वाले, इदा नहीं कि तुम सेंटर च बैठे ट्रेनर नाल करी जाने हो स्पीकिंग अपनी। फाइनल दे विच मैं बैठा, कॉल मेरी 2 वारी कट होगी। नैचुरल जी गल है कि मैं उत्थे किन्ना नैगेटिव हो जूँगा, मैनू इदा लगेगा कि की हो रहा मेरे नाल। तो इदा तो बंदा अद्ध तो ज़्यादा तो बंदा इतने वैसे ही नैगेटिव हो जूगा। इतने तो मैं तुहानू एक सजैशन देवां कि तुसी जे वीडियो कॉल ते तुहाडी स्पीकिंग हो रही है, जे तुहानू प्रॉब्लम आई है, तो बाहर आके उन्होंने सीधा कह दो कि मैं जमा सैटिस्फाई नहीं गा। सो मैनू आ चीज़ां नहीं समझ आईयां, आवाज़ कट कट के आई, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ये चीज़ कहो, ठीक है जी। इदां दी कोई चीज़ नहीं होंदी, कुछ बच्चे डरते रहेंगे कि सर सानू कितें बैन तां नहीं कर देणगे। देखो इदां थोड़ी हुंदा वा, तुहानू ओह तुहाडे तों फीडबैक लै रहे हैं कि तुहानू वीडियो कॉल जो तुसी हुणी स्पीकिंग करके आए हो कि तुसी सैटिस्फाई सीगे। सो डायरैक्टली से नो कि जी जे तुहाडे प्रॉब्लम शो हो रही है, तो उन्होंने बाहर आके कहो कि जी मैं जमा सैटिस्फाई नहीं होया, मैं चाहना। बल्कि उन्होंने एक चीज़ लाइन पावे होर भी कह दो, जे जे किसी बच्चे लगता कि मेरी स्पीकिंग जमा ही बस सत्यानाश हो गया, बाहर आके कह दो कि मेरी स्पीकिंग दोबारा कंडक्ट करो, कॉल करो उन्होंने उदा की ब्रांच नाल कि मैं जमा सैटिस्फाई नहीं गा। तो कम से कम उन्होंने को जो इदा दियाँ फीडबैक्स ज़्यादा पहुँचनगियाँ, तो वीडियो कॉल स्पीकिंग मे बी वो लैनी बंद कर दें, क्योंकि कई बार बच्चा की होंगे डर जाता इदा कहने लिए कि चलो होर नवें मेरे बैंड स्कोर कट लैन जाए। देखो तुहाडी फीडबैक लै रहे हैं ऑलरेडी। जे तुहाडी स्पीकिंग माड़ी हुई है, तो उन्होंने कहो जी मेरी स्पीकिंग माड़ी हुई है, कॉल कट हो रही थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैं उत्थे समझ लो कि डरिया होया, मैं समझ नहीं आया जो टीचर बोल रहे थे, आवाज़ रुक रुक के आ रही थी। जो भी तुहाडे नाल होया झूठ नहीं, जो भी तुहाडे नाल सच होया उन्होंने दस दो, ताकि तुहाडे कोल उन्हां कोल तुहाडी सही फीडबैक पहुँचूगी। एक तरह का सर्वे हुंदा, मान के चलो 500 स्टूडेंट्स तो उन्होंने पूछना, जे 500 स्टूडेंट के 400 स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं सैटिस्फाई नहीं हुए, तो फ्यूचर के चीज़ सॉर्ट आउट करेंगे, एंड उन्होंने करना भी चाहिए वा। पर जे तुसी उन्होंने झूठ मार के आओगे, तुहाडी स्पीकिंग एक्चुअल दे कॉल कट हुई, आवाज़ रुक रुक के आई, तुहानू सुनिया ही नहीं हो की कही जाते हैं, तुसी बार आके झूठ मारी जाने कि मेरी स्पीकिंग बहुत वधिया, मैनू मैं फुली सैटिस्फाई हाँ, तो इदा दी नाले इदा कहन नाल तुहाडे बैंड स्कोर च नहीं कोई फर्क पैना, इदा नहीं हुंदा गा। तुसी सैटिस्फाई हो तो बस ठीक है, उन्होंने कहना बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं सी, ठीक है जी। तो एक रीसेंट जो होया मेरे स्टूडेंट नाल वो मैं तुहानू दस्सिया, तो ये वीडियो में शेयर करो वध तो वध जिन्हां दी स्पीकिंग आ कल परसों जो भी स्पीकिंग आ, तो वीडियो कॉल पर स्पीकिंग है। एंड एक मैं तुहानू गल इत्थे क्लीयरली दसा, जो तुहाडी स्पीकिंग स्टार्ट हुंदी आ तो उन्हां तों पुछ लो, जो तुहाडे ट्रेनर तुहाडे सामने बैठे आ, एग्जामीनर तुहाडे सॉरी सामने जो बैठे आ, तो उन्होंने एक तुसीं पुछ लो कि सर तुसीं मैनू क्लीयरली सुन सकते हो, ओके जी। वो तुसीं उन्हां नूं कह रहे हो मैम कैन यू क्लीयरली हेयर मी, जां कैन यू क्लीयरली लिसन टू मी, ओके जी। तो उन्होंने इत्थे पुछ लो ता कि वो तुम दसनगे कि हाँ मैं तुम्हें क्लीयरली सुन पा रहा वा। इन की हो जूगा कि तुम्हें एक 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 पॉजिटिविटी हो जूगी, चलो मेरी आवाज़ उधर डिलीवर सही तरीके हो रही है, चलती हुई स्पीकिंग इदा हो तो फिर तुम्हें पता ही है, तो उन्होंने फीडबैक सही देके आओ, ओके गाइस। सो इस चीज़ का ध्यान रखना वा।
दूसरे नंबर पर जो मैं तुम्हें चीज़ है वीडियो कहना चाहता वा स्पीकिंग के बैंड स्कोर बड़े घट रहे हैं जो पिछले रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे नाल स्टूडेंट्स ने जो ऑनलाइन यूट्यूब तो मैनू मेरा फोन नंबर दे के मैसेज कर दिया। ज़्यादातर स्टूडेंट का मैसेज है कि सर साढ़े बाकी सारे चो बहुत वधिया बैंड स्कोर है बट लिसनिंग दे विचों साढ़े बहुत घट गए तो सानू उम्मीद है नहीं सी इन्नी क्योंकि मेरी लिसनिंग वधिया होंदी सी। देखो तो मैं एक चीज़ नोट की है कि जे तुहाडे बाकी मॉड्यूल्स वधिया कई बच्चा लिसनिंग नू सीरीयस नहीं लैंदा। कई बच्चे इदा होंदा कि लिसनिंग तो मेरी कमांड हैगी है कई बार उन्हें डेली बेसिस पर करता भी नहीं गा। इदा की चीज़ ना करो, लिसनिंग नू भी नाल अपने जो बाकी मॉड्यूल्स के बराबर रखो इनू सगो लिसनिंग दे स्कोर ज़्यादा कर सकते हो। ओके सो ये दूसरे नंबर की चीज़ तुम्हें याद रखनी है। दो चीज़ों का ध्यान रखियो, फीडबैक सही दे के आओ तो लिसनिंग ते भी नाल फोकस करो, ये चीज़ बहुत जरूरी है। ओके सो बेस्ट ऑफ लक जिन्हें स्टूडेंट का एग्जाम आन एक दो दिन के। ओके जी जिन्हें स्पीकिंग की गल कर रहा मैं तो वो उन्होंने फोकस करो तो मिलते मैं नैक्सट वीडियो के। मैं कल वीडियो पाई थी हैडिंग्स के उपर काफ़ी लाइक किया उन्होंने, सो हुण मैं उनकी सीकुएंस स्टडी कल तो फिर कंटिन्यू करूँगा, सैकेंड वीडियो पाऊँगा हैडिंग ते एंड मल्टीपल दी वीडियो भी हुण मैं बना रहा वा। ओके गाइस सो मिलते हैं कल, दिवाली है तो आप करी ज्यादा लाइव होवेंगे जां वीडियो पावेंगे। ओके गाइस बाय।